मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ और अभी जो मुझे सर मिले हैं वो भी महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और वो इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने लिटरली अपनी बॉडी पे महेंद्र सिंह धोनी जी का टैटू बना रखा है। दिखाइए जरा, ये देखिए भाई, महेंद्र सिंह धोनी जी का टैटू और ये साइन महेंद्र सिंह धोनी जी का किया हुआ है। अरे भाई ये देखिए भाई, धोनी MSD। हम कल मिले थे, मेरे फोटो दिखाऊं आपकी, मैं कल सर से मिला था, आप मैच में थे ना। मेरा एक छोटा सा काम करिएगा, अगर आप कभी भी ना धोनी सर से मिले ना, एक बार मेरे बारे में जरूर बताइएगा कि एक अभिषेक नाम का लड़का, अभिषेक बिश्नोई, आपका बहुत बड़ा फैन है, थोड़ा सा टाइम निकालना। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज है हमारा कैंडी के अंदर तीसरा दिन और कल का मैच तो भाई देखो बारिश की वजह से थोड़ा सा स्पॉइल हो गया, पर कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लिया करते, जिंदगी है, छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती यहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं कैंडी में, एक बहुत ही फेमस टेम्पल है टूथ टेम्पल, जो कि कैंडी लेक है, यहाँ पे एक कैंडी की बहुत फेमस आर्टिफिशियल लेक है तो उस लेक के पास है। तो हम लोग जाने वाले हैं उस टूथ टेम्पल में और मतलब बहुत सुंदर बताते हैं उस टेम्पल को और देखेंगे उस टेम्पल में ऐसा क्या खास है। बाकी आज के अगर मौसम की बात करूं तो मौसम आज भी थोड़ा सा बारिश वाला ही है, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो मैं अपने होटल से निकला हूं। बाकी ये देखो आज भी बारिश हो ही रही थी, ये देख सकते हो आप लोग, अभी भी ऊपर बादल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कुछ रोड यहाँ की, क्योंकि यार यहाँ पे वेजिटेरियन खाने का मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम है, तो बहुत लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं मेरे पास। बाकी मैं जब भी मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता ना, मैं क्या करता हूँ, ब्रेड वगैरह खा लेता हूँ या फिर फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ, दूध हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, तो इनसे मेरा काम चल जाता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं सबसे पहले उस रेस्टोरेंट की तरफ, वो वहाँ पे आगे उस रोड पे है। तो भाई ये है वो बेकरी जहाँ पर मैं अक्सर आया करता हूँ, देवन बेकरीज, तो यहाँ पर मिल जाता है वो, आई थिंक देखना पड़ेगा मेरे को। तो भाई यहाँ यू हैव वेजिटेबल समोसा, आई वॉन्ट वन वेजिटेबल समोसा एंड वन ऑरेंज जूस। तो यार वैसे तो ना यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिल जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है ढूंढने में, जैसे कि मुझे ये रेस्टोरेंट मिल गया, यहाँ पे मुझे समोसा एंड ऑरेंज जूस मिल जाता है, तो ठीक है ऐसी चीज़ों से मेरा काम चल जाता है। बाकी अब फटाफट खाते हैं और चलते हैं सीधा यहाँ का जो टूथ टेम्पल है वो देखने के लिए। तो यार खा पी के हम लोग निकल चुके हैं उस रेस्टोरेंट से, सीधा हमारे पहली लोकेशन जो है हमारी वो एक टूथ टेम्पल है इधर, यहाँ बहुत बड़ा एक कैंडी का सबसे बड़ा टेम्पल बताते हैं उसे, बहुत फेमस है, शायद वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले उसकी तरफ। बाकी बढ़िया यार, ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड इधर जाके आगे स्टेशन की तरफ आ जाती है और कल मैंने इसी एरिया से बस पकड़ी थी स्टेडियम जाने के लिए, पल्लाकल्ली के लिए। तो हाँ ये एरिया तो काफ़ी सिमिलर सा हो गया मेरे लिए। रोड क्रॉस कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का सेंटर भी है और इसे काइंड ऑफ आप सिटी सेंटर भी बोल सकते हो, कैंडी का सिटी सेंटर। इस तरफ आगे इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे है रेलवे स्टेशन और मैं जा रहा हूँ यहीं से, कल मैंने बस पकड़ी थी आप लोगों को याद होगा, यही कुछ एरिया था वो जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी। तो मैंने ना श्रीलंका में एक चीज नोटिस की है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ऐसी ना लॉटरी की शॉप्स बहुत होगी जहाँ पर लॉटरी बिकती दिखेगी, मतलब हर जगह मैंने देखी है, कोलंबो में भी देखी थी बहुत सी जगह, कैंडी में जब से आया हूँ तो कैंडी में भी देख रहा हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग लॉटरी से इतना क्यों ऑब्सेस है, मतलब हर जगह शॉप देखने को मिलेगी। ये देखो वहाँ पे पीछे भी आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे आगे भी देखने को मिलेगी, उधर भी आगे देखने को मिलेगी, यानी कि ये लॉटरी की शॉप हर जगह है यहाँ पे। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है, यहाँ के लोग लॉटरी से इतना क्यों ज़्यादा वो करते हैं, पर ठीक है। और ये है सेंट्रल मार्केट, तो ये है कोई इनका सेंट्रल मार्केट, कैंडी म्यूनसिपल सेंट्रल मार्केट, और हमको जाना है आगे इस तरफ उस टेम्पल के लिए। और वो देखो उधर भी लॉटरी की दुकानें हैं सारी, इधर भी ये देखो लॉटरी की दुकानें हैं, मतलब पता नहीं क्या बात है, इतने लॉटरी से ये लोग क्यों वो है ऑब्जेस वो मुझको नहीं पता। चलते हैं सीधा हम लोग टेम्पल की तरफ, हमारी जो लोकेशन है लगभग यहाँ से मैं कह सकता हूँ 600-700 मीटर होगी, तो 10 मिनट की वॉकिंग है अपनी, तो चलते हैं सीधा यहाँ से। बाकी देखो पीछे फॉरेनर्स बहुत है यार यहाँ पे, मतलब कैंडी में बहुत आते हैं,
और यही है वो जगह जहाँ से मैंने एग्जैक्ट कल पल्ला के लिए बस पकड़ी थी। यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि श्रीलंका डेवलप्ड अच्छा खासा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, मेरे को हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन से दिख रही है। ये देखो यहाँ पे भी सब कुछ एकदम डिसिप्लिन से चल रहा है। सफाई की बात करूँ तो हाँ, हालांकि थोड़े बहुत पत्ते जरूर गिरे हुए हैं जो कि भाई नेचुरल है, बाकी उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई गंदगी कोई कचरा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा तो आपको कैसे पता लगा मैं इंडिया से हूँ? मैच देखने के लिए आया। हाँ मैच के लिए आया, मैच के लिए। हाउ डू यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया? ओके, व्हाट्स योर नेम सर बाय द वे? भंडारा सर। ओके, अभिषेक बिश्नोई, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ओके थैंक यू। तो भाई ऐसे होते श्रीलंकन लोग, इतने फ्रेंडली हैं। पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ यार, देखना पड़ेगा मेरे को रोड। हाँ तो मतलब कि श्रीलंकन लोग बहुत फ्रेंडली है, उनको पता लग जाए ना कि कोई इंडियन है ये, तो इतना प्यार लुटा देंगे कि कोई हद हिसाब नहीं है। मतलब उसको पता लगा मैं हिंदी बोल रहा था तो सामने से आके पूछा कि यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो आई लव इंडिया, आई लव इंडियन पीपल, आई लव इंडियन कल्चर। तो ये चीज़ बड़ी सही लगी मेरे को कि हाँ लोग यहाँ पे सच में मतलब इंडिया को ना बहुत पसंद करते हैं। इनकी ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि इंडिया हमारी हेल्प करता है तो इंडिया हमारा ब्रदर है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक कैंडी लेक है, कैंडी के एकदम सिटी सेंटर में है और बहुत ही एक सुंदर लेक है। जैसे कि उदयपुर में मैंने देखी थी पिचोला लेक थी, उदयपुर हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस लेक, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेक है वो है कैंडी लेक। और ये है वो लेक, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब इसको देख रहा हूँ जैसे लग रहा है ये उदयपुर है और सामने हिमाचल है, यानी उदयपुर और हिमाचल का मिक्स सूट सा लग रहा है। क्योंकि देखो बीच में इतनी सुंदर लेक भी है, सामने पहाड़ों पे एकदम घर है जैसे कि हमारे हिमाचल उत्तराखंड में होते हैं। तो मतलब काफ़ी सुंदर जगह है यार ये। तो कैंडी लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो बहुत पुरानी लेक है और बहुत फेमस है और एकदम सिटी के एकदम बीचों बीच ही है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे, एकदम मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये देखो यार इधर ये पूरा सिटी सेंटर आ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना गेट, इसी गेट से होकर हमें सामने जाना है, वो है टूथ टेम्पल जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टूथ टेम्पल। तो वो सामने आपको टूथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ये पूरा एरिया टूथ टेम्पल का है। अब हम जाने वाले टेम्पल के अंदर। बाकी ये लेक यार कुछ भी कहो, शाम के समय में ना बहुत सुंदर लगती है, एकदम यहाँ पे मतलब बढ़िया माहौल होके रखा है। तो हम भी चलते हैं अब टूथ टेम्पल की तरफ और सामने वो टूथ टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं टूथ टेम्पल में और यहाँ से होके ये पूरा एरिया है ये स्क्वायर होके और यहाँ से स्टार्ट होता है टूथ टेम्पल। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे टूथ टेम्पल में, बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ पे। और यहाँ की दिखाऊँ आपको मेन अट्रैक्शन, तो यार ऐसी कुछ इसकी एंट्रेंस है, ऊपर एकदम कबूतर वगैरह बैठे हैं। चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं कि शायद हमें हमारे बैग रखवाने पड़ेंगे। चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे लगता है हमें हमारी सिक्योरिटी चेक इन करवानी पड़ेगी, बैग मेरे को पता नहीं है रखेंगे या फिर अंदर अलाउड करेंगे, देखते हैं बैग का। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिक्योरिटी चेक इन है। तो सिक्योरिटी चेक करवा कर मैं आ चुका हूँ इस टूथ टेम्पल के अंदर और मतलब बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है ये। देखो आप सामने देख पा रहे हो कि वो यहाँ पे सामने टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है यहाँ का। देखते हैं कि आखिरकार अंदर ऐसा क्या है खास है। जैसे ही मैं अंदर आया ना तो पहले मेरे को यहाँ पे ये एक पेंटिंग सी देखने को मिली है, ये एक स्टैचू सा देखने को मिला है। तो बड़ा प्यारा सा स्टैचू है। अब लिखा तो यहाँ पे इनकी लोकल लैंग्वेज में है तो मेरे को ये तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है। बाकी अब हम चलने वाले हैं यहाँ से अंदर की तरफ, आप देख पा रहे हो तो वो सामने टेम्पल है। तो अब मैं आ चुका हूँ एकदम मंदिर के पास में और भाई यहाँ का एनवायरनमेंट सच में यार कुछ अलग ही लेवल का है। और ऐसा कुछ ये टेम्पल है पूरा वाइट पत्थर से जैसा बना रखा है इन्होंने। और शायद मेरे को दो यहाँ से भी रास्ता है और इधर से भी है, पहले मैं इधर से चलूँगा अंदर की तरफ। बाकी यार ये मेरे को एकदम ऐसे चाइनीज़ सा और तिब्बतन कल्चर सा लग रहा है, एकदम सिमिलर सा, क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा था ऐसी उनकी छतें होती थी, जैसे कि मैंने मंकी मूवीज़ में और ये जो चाइना की मूवीज़ है ना उनमें देखा था कि उनमें ऐसा बहुत सिमिलर सा उनका कल्चर होता है। तो ये पूरा टेम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग चलेंगे अब इसके अंदर भी, देखते हैं भाई अंदर से कैसा होगा, क्योंकि भाई सबसे मेन अट्रैक्शन है तो सुंदर तो बहुत होगा। और श्रीलंका की एक चीज़ है यार कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत सुंदर है, मतलब उसको बड़ा संजो कर रख रखा है इन लोगों ने, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बाकी मेरे को ये नहीं पता कि ये जो फ्लैग है ना ये किस चीज़ के, ये शायद इनके बुद्धिस्ट जो कल्चर है उसका हिस्सा मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत जगह देखे थे। मैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गया था कोलंबो में, तो वहाँ पर भी मैंने ये सिमिलर फ्लैग देखे थे। तो मेरे को नहीं पता ये किस चीज़ के हैं, शायद से इनके कल्चर से रिलेटेड ही कुछ होगा। और भाई ये देखो तो यहाँ पे इन्होंने छोटी सी एक तालाब सा भी बना रखा है। चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं अभी अंदर आया हूँ तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे टिकट है, टिकट शायद से है 1500 रुपये जो लंकन रुपये है 1500 की,
तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार, इनके लिए शायद ये है बाय टिकट्स। नो आई डोंट हैव 500 नोट। ओके तो भाई 1500 रुपये मेरे को पूरे मशीन में डालने पड़ेंगे। सो इट टेक्स ओनली 1500 नोट। ओके तो भाई ये भैया अच्छी मदद करें, चेंज करके देंगे ये हमको, और तो 500 करके। ओके तो भाई ऐसे नोट डालने हैं और ये मशीन अंदर ले लेगी नोट को। ओके इट्स 1500 फॉर फॉरेनर्स एंड हाउ मच फॉर द लोकल वन? लोकल फ्री, लोकल फ्री, दे शुड पे द द मेंटेनेंस कॉस्ट। यस, अदर पे दे शुड पे ओनली। That's a temple for the local ones. Yeah. Okay. And museum, royal palace, everything inside. Okay. So what is the history like? This is the palace of something? Yeah. Okay. We have a mobile app. You can download. Okay. So the. This QR code. Okay. You get the more information. From this. From this. From this temple. Yeah. Okay. Thank you. ओके थैंक यू। तो भाई हमने हमारे जूते जमा करवा दिए, उसका हमें मिला ये टोकन फॉरेन, ठीक है। तो टिकट्स वगैरह हमने दिखा दिए और वो मुझे पड़ी 1500 रुपये लंकन, जो कि बन गए हमारे इंडिया के लगभग 400 रुपये, और जूते भी मैंने मेरे जमा करवा दिए हैं। तो यहाँ से चलते हैं अंदर। बाकी ये एक इनका पैलेस हुआ करता था, इसके अंदर इनका जो टेंपल भी है, पैलेस भी है, और इनका रॉयल पैलेस भी है, सब कुछ है। तो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से हमने लिया एंट्रेंस और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। यहाँ पहले लगता मुझे इनका टेंपल है, जैसे हमारे राजस्थान में बहुत से फोर्ट हुआ करते हैं, इंडिया में बहुत से फोर्ट है, वैसे ये इनका एक किला सा कह सकते हो आप लोग, जहाँ पर इनका टेंपल भी है, रॉयल म्यूजियम भी है और रॉयल पैलेस भी है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो मुझे लग रहा है ये पहले, सबसे पहले इनका कोई टेंपल लग रहा है मेरे को, क्योंकि इनके जो ये फ्लैग है ये सारे टेंपल के फ्लैग है। हाँ तो ये इनका कोई, बिल्कुल ये इनका यार मेरे को टेंपल ही लग रहा है। ये देखो ये मैंने दांत वगैरह आपको पहले भी दिखाए थे यहाँ पे। ओ भाई बहुत सुंदर है यार ये तो अंदर से। अगर आप लोग नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर ऐसी इन्होंने मशाल सी टंगा रखी है, मतलब लालटेन टाइप सी, और ये इनका कोई बुद्धिस्ट कल्चर का मेरे को लग रहा है कोई झंडा वगैरह है। तो वहाँ से एंट्रेंस करते हुए पहला मंदिर आया है जहाँ पर ये देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इनके यहाँ पे कल्चर में हाथी के दांत को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे हाथी के असली दांत हैं। ये देखो एकदम ऐसे टेढ़ी होती है, एकदम ऐसे सीधी नहीं होती, तो ये बड़ी मेरे को मस्त लगती है। मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा था और उसके बाद मैं आज अब देख रहा हूँ। यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर और अंदर देखो मशाल जल रही है, चल के देखते हैं भाई अंदर से कैसा है। तो भाई लोकल लोग यहाँ से देखो फूल वगैरह भी लेके आते हैं, ताकि इनके लिए तो भक्ति भावना की जगह है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार ये चीज़ देखी जाए तो, कि कल्चरल वाइज बहुत सुंदर है ये जगह। ये देखो ये इनका मंदिर है शायद, यहाँ पे फूल वगैरह भी इन्होंने चढ़ा रखे हैं, तो इनका मंदिर है। और ये इनकी कोई भाई पुरानी मेरे को लग रहा है कला से रिलेटेड, और यहाँ पंखे भी रख रखे हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता ये असली सोना है या नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके, सॉरी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो इनके, तो ये कॉपर लग रहा है मेरे को। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एक गार्डन है गार्डन की तरफ। तो ये गार्डन है यहाँ पे भाई, बाहर निकलते ही आपको बहुत ही प्यारा सा, मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों, मैंने नोटिस किया वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं, और यहाँ पे भाई अगरबत्ती वगैरह जल रही है। तो ये चीज़ तो काफ़ी सिमिलर है इनके कल्चर में, और वहाँ पे इन्होंने दिए जगा रखे हैं, तो ये बड़ी ही मेरे को रोचक सी जगह लगी। मतलब जगह तो काफ़ी अच्छी है यार। आज मैं पहली बार, वैसे ना मुझे बुद्ध कल्चर के बारे में इतना नहीं पता, बुद्धिस्ट लोगों के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं पहली बार गया था कोलंबो के अंदर, वहाँ पे एक मंदिर था, बुद्धिस्ट टेंपल था, मैं वहाँ गया था। और वहाँ के बाद अब ये मेरा दूसरी बारी है जब मैं किसी बुद्धिस्ट टेंपल में आया हूँ, तो मेरे को कल्चर के बारे में इतना नहीं पता। तो हाँ जितना मैं जान पाऊँगा उतना जानने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे श्रीलंका का फ्लैग भी लगा है और एक तरफ बुद्धिस्ट फ्लैग भी लगा है,
तो कुछ ऐसी बिल्डिंग है ये, और यहाँ से पूरा मतलब कह सकते हैं कि एकदम पूरे अच्छे तरीके से बना रखी है। सामने श्रीलंका का इन्होंने फ्लैग भी लगा रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग है। ये देखते हैं क्या है ये चीज़, द म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड बुद्धा बुद्धिज्म। ओके, अच्छा, तो मतलब ये एक म्यूजियम है, और यहाँ पे क्या है कि जितने भी बुद्धा है इन सब कंट्री में, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान एंड चाइना, मतलब कि ये पूरा एक म्यूजियम है, और इसके अंदर इन 17 देशों के अंदर जो बुद्धा या फिर बुद्धिज्म जो कल्चर है उनके बारे में दिखाया गया है। तो चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं हम भी। और ये देखो इंडिया का यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है सबसे पहले साइन, और यहाँ पे बुद्धा की प्रतिमा। मैं आपको पोस्ट कार्ड दिखा देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्टाम्प। जैसे कि मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ मैं वहाँ की पोस्ट कार्ड और स्टाम्प्स लेता हूँ, और वहाँ की फ्रिज मैग्नेट और करेंसी मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो ये मैंने यहाँ से एक पोस्ट कार्ड लिया है श्रीलंका से, जो कि मुझे पड़ा है कुछ 80 रुपये का, श्रीलंका के 80 रुपये, जो कि इंडिया के होते हैं लगभग 20 रुपये। और ये दो स्टाम्प ये हैं, और दो स्टाम्प है ये छोटी वाली, तो 130 की मुझे पड़ी है इन टोटल। बाकी सर के पास ये कुछ यहाँ पे स्टाम्प्स हैं, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं बाकी पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको पोस्ट कार्ड देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के श्रीलंका के। यहाँ पे श्रीलंका का कल्चर, इनकी हेरिटेज चीज़ें, और ये जो एलिफेंट वाला मैंने आपको बताया था कि इनके कल्चर का हिस्सा है, तो ये सब आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इनके कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के आपके पोस्ट कार्ड मिल जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ इस सेक्रेड ऑफ टूथ टेम्पल से बाहर, और चलते हैं थोड़ा बाहर और देखते हैं। पहले तो कुछ खाएंगे यार, सच बताऊँ तो मेरे को भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी शाम का वक्त होने चला है, काफ़ी टाइम लग गया अंदर। भाई सही बताऊँ तो मैंने पूरा आराम से देखा, पूरा मंदिर, पूरा उसका म्यूज़ियम, उसका जो गैलरी वगैरह थी, मैंने सब कुछ आराम से देखी। बाकी अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, और बाहर जाके मैं देखता हूँ। इंडिया से आए अच्छा आप भी इंडिया से हो गया? अरे भैया भैया भी इंडिया, श्रीलंका में। कहाँ से हो भैया? भाई हम चंडीगढ़ से हैं। अरे भाई राजस्थान से? अरे अरे मतलब यहाँ पे ना कल मैच देखने गया ना मैं, तब थोड़े इंडियंस मिले, उसके अलावा तो मेरे को आज 6 दिन हो गए मेरे को कोई इंडियन मिला ही नहीं। कल मिले थोड़े इंडिया और पाकिस्तान, तो भाई हमारे चंडीगढ़ से हैं। पीछे से अपने आप ही हिंदी सुन के ना कान खड़े हो जाते हैं एक तो। अरे भाई आज बहुत ही तगड़ा कोइंसिडेंस हुआ है, एक बहुत ही ज्यादा। मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अभी जो मुझे सर मिले हैं वो भी महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन है, और वो इतने बड़े फैन है कि उन्होंने लिटरली अपनी बॉडी पे महेंद्र सिंह धोनी जी का टैटू बना रखा है। दिखाइए जरा, ये देखिए भाई महेंद्र सिंह धोनी जी का टैटू, और ये साइन महेंद्र सिंह धोनी जी का किया हुआ है। अरे भाई ये देखिए भाई धोनी MSD। अरे भाई साहब, और ये यहाँ पे एक और लो ये, अच्छा MS धोनी। अरे भाई क्या फैन हो यार, बहुत बढ़िया लगा यार आपसे मिलके। एक धोनी फैन होने के नाते दूसरे धोनी फैन से मिलकर बहुत अच्छा लगा यार। मतलब कि यार ये भी प्यार है, हर कोई नहीं कर सकता। देखो अब किसी से भी नहीं हो सकता कि अपनी बॉडी को किसी और के लिए डेडिकेट करना, एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं, है ना सर? अपनी बॉडी को दूसरे के लिए डेडिकेट करना कितनी बड़ी बात है। और धोनी सर के लिए, मैं IPL का फाइनल देखने गया था धोनी भाई के लिए, कि अहमदाबाद में जो था, मैच कर लो। हम कल मिले थे, मेरे फोटो दिखाऊं आपकी? मैं कल सर से मिला था, आप मैच में थे ना? तो भाई आज मैं आया हूँ खाना खाने के लिए धोनी के सबसे बड़े फैन के साथ, जो कि कल मुझे मैच में मिले थे। यू नो धोनी का सबसे बड़ा फैन आज मेरे साथ बैठे खाना खाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कौन सा टेबल फ्री है? इसी पे, यहाँ पे बैठ जाए। तो भाई चलो यहाँ बैठते हैं, और हैंड वॉश करने गए धोनी के फैन। और भाई मुझको ये कल मैच में भी मिले थे, और मैंने इनसे फोटो भी खिंचवाई थी, और मैंने जब इनको देखा ना तो मुझे फेस स्ट्रक्चर समझ में आ गई थी कि मैंने इनको कहीं देखा है, बट सर ने मुझको पहले बताया नहीं कि ये वही है जिनके साथ मैं कल था। और अभी जब मैंने इनसे पूछा ना कि धोनी का, तब इन्होंने बताया कि हाँ मैं हूँ वो जो धोनी के लिए मैच देखने जाते हैं। और ये देखो चाय, हाँ चाय ले लेंगे। तो भाई सर के हाथ पे धोनी का वो है सिग्नेचर है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। लाइक मैं धोनी का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं उनसे एक बार मिलने के लिए भाई तरस रहा हूँ, सही बताऊँ तो, कि एक बार कैसे ना कैसे उनसे मिलूँ, मतलब वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट है। हालांकि मैंने IPL में CSK को ट्रॉफी उठाते देखा है, माही सर को ट्रॉफी उठाते देखा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। एक बार अगर उनसे मैं लाइव मिल जाऊँ उससे बड़ा मेरे लिए मोमेंट नहीं। और सर तो कितनी बार मिले आप धोनी से? 100 से भी ज़्यादा बार, मतलब जितनी बार भी आप मैचेस में जाते हो अक्सर मिल ही लेते हो।
फिर तो आप इंडियन क्रिकेट टीम से भी मिले हो काफी लोगों से, विराट कोहली वगैरह सबसे। 16 साल से टीम के सदस्य बने। तो भाई ये एक तरह से ना इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य बन चुके हैं कि जहां इंडियन क्रिकेट टीम खेलने जाएगी वहां ये जाएंगे। और बात करें अगर स्पॉन्सर वगैरह की तो वो तो इंडियन क्रिकेट टीम कर देती है आपको, धोनी सर भी कर देते हैं। धोनी सर करते हैं। तो भाई बताओ इससे अच्छी क्या बात है कि आपको खुद धोनी सर, द लेजेंड धोनी सर स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जा रहे हो हर मैच देखने के लिए, उससे बड़ा मैं कोई मूवमेंट नहीं मान सकता कि होगा। आप भी साथ जाते हैं क्या सर के? कभी कभी मिल जाते हैं। आप लोग दोस्त हो क्या आपस में? अच्छा अच्छा, तो आप साथ में हो? साथ में जब बाहर तो मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ घूमने। अरे तो भाई मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मूवमेंट है कि मैं धोनी के सबसे बड़े फैन के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो अगर कभी मौका मिला तो धोनी सर से भी जरूर मिलेंगे। मेरा एक छोटा सा काम करिएगा, अगर आप कभी भी ना धोनी सर से मिले ना, एक बार मेरे बारे में जरूर बताइएगा कि एक अभिषेक नाम का लड़का, अभिषेक बिश्नोई, आपका बहुत बड़ा फैन है, और अगर आप उसे रिकॉर्ड कर पाएं उस क्लिप को तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जरूर थोड़ा सा याद रख के, आई नो आपका बिजी शेड्यूल है, उससे थोड़ा सा टाइम निकालना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना आज कैसे रैंडमली हम लोग मिले, यही अच्छा लग रहा था कि सब डाई हार्ड फैन है, ये नहीं मानते कि यार मैं अकेला लौटा फैन हूं, बोलने को करोड़ों फैन है। बिल्कुल करोड़ों में से हम गिने चुने हैं और गिने चुनों में से आप हमें मिले हो, हमारे लिए भी बहुत लकी है। बिल्कुल आपको थैंक यू, ऐसे ही कंटिन्यू बहुत आगे तक तरक्की करें हमारे। बिल्कुल थैंक यू। हम ये भी कहेंगे आप ये मत बोलो धोनी को नहीं मिलेंगे, इन फ्यूचर शो में कभी ना कभी मिलोगे जरूर। हमसे मिली हमने क्या बोला, हमसे मिली है आप तो डेफिनेटली एक दिन धोनी से जरूर मिलेंगे, तो हम आपको जरूर मिलेंगे। अरे भाई सो थैंक यू। और अगर कभी भी आप धोनी से मिले तो एक छोटी सी क्लिप अगर बनवा पाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। चलो अब वक्त हो चुका है राम बाबू सर को, या फिर कहूँ कि धोनी के जो फैन है सबसे बड़े, उनसे विदा लेने का, क्योंकि सर की अभी टैक्सी आ रही है, सर वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और आज हमने साथ में बैठ के अभी लंच किया, चाय वगैरह पी, काफ़ी बातें भी हुई। तो वो थोड़ा मुझे अपने करियर के बारे में बता रहे थे कि कैसे 16 साल से वो इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हर मैच में जाते हैं। थोड़ी बहुत मैंने भी उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताया, बाकी अब सर जा रहे हैं। ठीक है सर, फिर से कभी ज़रूर मिलेंगे, फिर से कभी जरूर मिलेंगे। जय हिंद। और धोनी सर के लिए ऑल द बेस्ट। ओके सर, गुड बाय, टेक केयर। टेक केयर सर, बेस्ट ऑफ लक, और आपको बेस्ट ऑफ फॉलो करते रहो और सर को भी फॉलो करो जाके। ठीक है सर, टेक केयर, आराम से जाना। ओके सर, अगर किस्मत रही तो फिर मिलेंगे, और मेरा वो मैसेज एमएस धोनी के लिए जरूर। ठीक है, फाइनली सर को गुड बाय बोल दिया है, और बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, एक बहुत अच्छी मीटिंग थी। एमएस धोनी फैन होने के नाते मेरी सबसे बेस्ट फीलिंग एक धोनी के इतने बड़े फैन के साथ बैठ के खाना खाना। ओके मतलब धोनी के बिगेस्ट फैन के साथ बैठ के खाना खाना एक बहुत बड़ी फीलिंग है मेरे लिए, और आज एक ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग कह सकते हो आप लोग। और हालांकि तुम्हें मैं सबसे बेस्ट बात बताऊं कि मैं, उन्होंने मुझे सामने से बोला कि चलो अभिषेक हमारे साथ चलो कुछ खाते हैं बैठ के, और मेरा बिल भी उन्होंने पे किया। मैंने हालांकि मना किया, मैंने कहा सर मैं पे करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं बिल पे करूँगा तुम्हारा, इतने बड़े फैन हो तुम धोनी के लिए।